नमस्कार। एक और बड़ी खबर राजस्थान के भरतपुर जिले के पहाड़ी थाना क्षेत्र से आ रही है। यहाँ पर महिला ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है कि एक मजदूर ने गेहूं के बदले उसके साथ गलत काम किया है। चलिए देंगे इस खबर के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी विस्तार से। यदि पहली बार आप इस चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये घटना सोचने के लिए मजबूर कर देती है। एक मजदूर जो कि खेत में काम करता है और बदले में मजदूरी के बदले गेहूं उसको मिलते हैं, और ऐसे में वो ऐसी हरकत कैसे कर सकता है। खैर जो भी है, मामला थाने में आया है तो इसलिए खबर आपके सामने है। महिला ने बताया है कि खेत की कटाई जब मजदूरों के द्वारा की जाती है तो मजदूरों को पैसा नहीं देकर उन्हें मजदूरी के बदले गेहूं दिया जाता है। ऐसे में एक मजदूर गेहूं मांगने के लिए उसके घर पर आया। घर वाले सभी बाहर थे, उसका पति बाहर कहीं काम करता है। ऐसे में अकेली देखकर मजदूर ने फायदा उठाया और उसके साथ अश्लील हरकत और अश्लील बातचीत करने लगा। ऐसे में उसने उसे जबरन पकड़ लिया और अंदर ले जाकर उसके साथ जबरदस्ती गलत काम किया। ऐसा महिला ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। आपका इस रिपोर्ट और खबर के बारे में क्या कहना है कमेंट कर जरूर बताएं। हालांकि महिला ने आगे बताया कि इस प्रकार घटना को अंजाम देने के बाद मजदूर ने उसे मुंह बंद करने के लिए मजदूरी के बदले अनाज नहीं लेने की बात कही और बदले में कहा कि इस बात को आपको सबसे छुपाना है, किसी को नहीं बताना है। ऐसे में महिला ने अपनी ये सारी घटना अपने पति को बताई। पति ने सास ससुर और अपने छोटे भाई को बताई। हालांकि सास जब आरोपी के घर गई तो उसके साथ भी मारपीट और की, इस प्रकार महिला ने रिपोर्ट दर्ज कराई है। हालांकि घटना के अंजाम देने के बाद आरोपी फरार है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। देखते हैं आगे क्या रिपोर्ट आएगी। देंगे इस खबर के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी विस्तार से। बने रहिए S24 न्यूज के साथ। मिलते रहेंगे आपको आपके राज्य क्षेत्र की ताज़ा खबरें।